कानपुर के गैंगस्टर विकास दुबे पर फिल्म बनाने को लेकर कई विवाद सामने आए। ऐसे में अब बिकरू पुलिस हत्याकांड को अंजाम देने वाले विकास दुबे के जीवन, अपराध भरे सफर और एनकाउंटर पर केंद्रित फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई है। गैंगस्टर विकास दुबे के जीवन पर आधारित फिल्म हनक की शूटिंग मध्य प्रदेश के इंदौर में चल रही है। जब बात गैंगस्टर विकास दुबे की फिल्म की हो तो सबसे पहले मन में यही ख्याल आता है कि इसमें लीड रोल कौन करेगा। कानपुर के गैंगस्टर विकास दुबे पर बन रही फिल्म हनक में टीवी एक्टर मनीष गोयल लीड रोल कर रहे हैं। एक्टर ने इसको लेकर अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट भी किया है, साथ ही अपना फर्स्ट लुक एज गैंगस्टर विकास दुबे भी जारी कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक निर्माताओं की योजना इसे मार्च 2021 में रिलीज करने की है। फिल्म हनक लेखक मृदुल कपिल की किताब मैं कानपुर वाला की कहानी पर बेस्ड है। फिल्म में विकास दुबे के आम आदमी से गैंगस्टर बनने और 8 पुलिसकर्मियों की हत्या से लेकर एनकाउंटर तक की कहानी दिखाई जाएगी। न्यूज डेस्क।